जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे किस प्रकार से फेसबुक पेज पे लाइव आया जा सकता है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से। मोबाइल फोन पे फेसबुक पेज पे लाइव आना काफी सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन कंप्यूटर पे वही लाइव आना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन को मैं आप सभी को समाधान करके बताने वाला हूँ। साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि फेसबुक पेज पे प्रीमियर कैसे करते हैं, यानी कि पहले से जो हम लोग का वीडियो रिकॉर्डेड है और उस वीडियो को हम लोग लाइव कैसे दिखा सकते हैं फेसबुक पेज पे, ये भी समझेंगे। साथ में आप अपनी खुद की फेस कैम को किस प्रकार से लाइव कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस को समझेंगे। यदि आपके फेसबुक पेज पे 0 फॉलोअर्स है, 0 लाइक्स है, फिर भी आप यहाँ पे फेसबुक पेज पे लाइव अपने वीडियोज को कर सकते हैं, तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया है और मैं अपनी जो आईडी है उससे इसमें लॉगिन हो चुका हूं। अभी जो जय माता दी नाम से यह फेसबुक पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, यह मेरा ऑफिशियल पेज है, लेकिन मैं इस पर वर्क ना करके इस चैनल का नाम से जो मेरा पेज है टेकोल स्मार्ट, इस पर मैं वर्क करता हूं। तो यदि आप फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस पेज पर कर सकते हैं, लेकिन ये नया पेज मैंने आप सभी को दिखाने के लिए क्रिएट किया है क्योंकि इस पेज पर 0 फॉलोअर्स है और 0 फॉलोअर्स पर हम लोग लाइव आना सीखेंगे। इसके लिए आप यहीं से लाइव वीडियो पर क्लिक करके लाइव आ सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रोफाइल लोगों पर क्लिक करेंगे और आप अपनी प्रोफाइल में ओपन हो जाएंगे। इसके लिए आपको सी ऑल प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है या फिर ऊपर जो जय माता दी जो लोगो दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपको इस प्रकार से पेजेस दिखाई देंगे जिसमें आप सबको ऊपर फॉलोअर्स भी दिखाई देंगे, 0 फॉलोअर्स है। तो मैं पहले से भी लाइव वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, आकर के यहां पे देखेंगे कि इस वीडियोस को मैंने लाइव आकर के अपलोड किया हुआ था। और के लिए आपको लाइव वीडियो का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे पहले लाइव वीडियो पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके बाद में दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, पहला है गो लाइव, दूसरा है क्रिएट लाइव वीडियो इवेंट। तो हम लोग अभी लाइव आने वाले हैं इसलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके अब इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला है स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, यानी किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप इनकी स्ट्रीम की मदद से आप अपनी पहली की जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसे लाइव फेसबुक पेज पे दिखा सकते हैं। वेब कैम पर क्लिक करके आप अपनी खुद की फेस को दिखा करके लाइव आ सकते हैं। तो हम लोग अभी वेब कैम को न समझ करके स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले हैं। यदि आप वेब कैम पर क्लिक करते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको अपनी कैमरा और माइक्रोफोन को अलाउ करना होगा, इसके लिए आपको अलाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे मीडिया सोर्सेस और मीडिया सोर्सेस आपको सिलेक्टेड कर लेना है। मीडिया सोर्सेस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि मैं जो मेरे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की जो आपका वेबकैम होगा वो आ जाएगा। साथ में नीचे आपका कौन सा माइक्रोफोन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। साथ में आपको नीचे आपका वीडियोज दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे फिलिंग एक्टिविटी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा और आप अपनी लाइव की जो यहाँ पे एक्टिविटी बताएंगे, यानी कि आप अपनी लाइव जो आ रहे हैं उसका यहाँ पे टाइटल्स देंगे। तो फिलहाल मैं आपको वेबकैम को न बताते हुए स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर काम करके बताने वाला हूँ। दोनों का प्रोसेस सेम रहता है, बस स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और वेबकैम में आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ठीक है, मतलब आपकी जो फेस है वो आपका दिखाई देगा, लेकिन हम लोग स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले हैं। तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपका जो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है उसे डाल करके लाइव कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है आपका ओबीएस स्टूडियो। OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, तो इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कैसे किया जाता है, साथ में कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इस पर कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आई बटन वाले वीडियोस को देख सकते हैं। OBS सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो आई बटन वाले वीडियोज को जरूर देखिएगा या फिर आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हैं इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देता है एंड यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा। साथ में आपको नीचे सीन आपका दिखाई देगा, सीन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपने जहां पे भी अपनी वीडियोस को पहले से रखा हुआ है उस वीडियो को फोल्डर को ओपन कर लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस ब्लैक स्क्रीन जो जहां पर दिखाई दे रहा है कॉपी कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपका जो फोल्डर है पहले से उसे आप क्लोज करेंगे एंड इसको आप सबसे पहले कस्टमाइज कर लेंगे, यानी फिट कर लेंगे स्क्रीन पे। जिस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीन सेट करेंगे उसी प्रकार से आपका वीडियो जो यहाँ पे नीचे दिखाई, साथ में नीचे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जिनमें से मैंने पहले भी कुछ लाइव किया था, वह वीडियो का यहाँ पे टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सेटिंग क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल सेक्शन में आना है।
सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको अब क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से आपका सेटिंग ओपन होकर के इस सॉफ्टवेयर की आ जाएंगे। यहाँ पे जनरल पर रहेगा आपका, आपका यहाँ पे स्ट्रीम पर क्लिक करना है। इसके बाद में सर्विसेज में आपको फेसबुक लाइव का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्वर में आपको डिफॉल्ट रहने देना है। स्ट्रीम की का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्ट्रीम की आपको अपने ब्राउजर से निकालना है, जो कि फेसबुक में आपको मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको स्ट्रीम की दिखाई दे रहा होगा, इस कॉपी करने के लिए आपको कॉपी ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो पहले से यहाँ पे स्ट्रीम की है या फिर आप में ब्लैंक हो सकता है, इसे हटा करके आपने जो स्ट्रीम की कॉपी किया था उसे डालेंगे। शो पर क्लिक करके आप अपनी स्ट्रीम की को यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। फ्रेम रेट और बिट रेट क्या रहेगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब आपका इतना काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑडियो मिक्सर में आना है। यदि आप अपने डेस्कटॉप ऑडियो को शो करना चाहते हैं, तो ये वाला जो मैंने ऑफ कर रखा है, इसे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इसे ऑफ ही रहने दूंगा, क्योंकि मैंने पहले से वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा है, उसे मैं लाइव करने वाला हूँ। और आपका वीडियो का जो साउंड है यहाँ पे आपको दिखा देगा, इस साउंड को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और नीचे आप यदि कोई माइक से बोलने वाले हैं, तो उस माइक को भी यहाँ पे इसे साउंड को मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे भी ऑफ करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कर लेंगे। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी ब्राउजर में आना है। यहाँ पे आपको कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। उसके पहले आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। सेटिंग क्या है, तो आपको फिलिंग एंड एक्टिविटी का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं फिलिंग में हैप्पी बता सकता हूँ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेकंड मिलता है एक्टिविटी, जिस जो कि आ चुका है। अब यहाँ पे आप अपने वीडियो की जो टाइटल रखना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे देंगे। जैसे मैं वीडियो टाइटल देने के बाद में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, रिक्वायर्ड है जो कि, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे पूरी एसईओ के साथ में कीजिएगा ये सभी चीज। इतना करने के बाद में आपको नीचे ऐड टू योर पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं लोकेशन को ऐड नहीं करने वाला हूँ, बैक आ जाते हैं। अब आपको सेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको ऑडियंस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यदि आपका वीडियो में किसी एज रेस्ट्रिक्शन है, तो आप उसे बता सकते हैं, या फिर आप इसे पब्लिक रख सकते हैं। और सिलेक्टेड लोकेशन को अलाउ करना चाहते हैं, और कोई रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन है उसे बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेव करता हूँ इतना करने के बाद। अब एक काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम होता है, आपको यहाँ पे गो लाइव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ जाना है, जो कि स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपका जो फेसबुक पेज है, यहाँ पे वो वीडियो आपका आ जाएगा। जैसे आपने स्टार्ट स्ट्रीम पर क्लिक किया, उसके अंदर स्टॉप स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आएगा। इसके बाद में आप अपने वीडियो को यहाँ से प्ले करेंगे। उसके पहले आपको फेसबुक पेज पे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गो लाइव, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्ले कर देना है इस वीडियोज को। प्ले करने के बाद में यहाँ पे आना है और गो लाइव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो आपका आ चुका है, लाइव यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। थोड़ा देर स्टार्टिंग होने में समय लगता है, वेट करना होगा आपको। यह डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन कैसा। अब यहाँ पे देखेंगे यू आर नाउ लाइव आपका लिखा हुआ आ चुका है, यानी आपका जो वीडियो वो लाइव हो चुका है। अब जैसे आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक किया, तो आपको ये वाला डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे वीडियो आपका आ चुका है। वीडियो को आप यहाँ से आप प्ले करके आप खुद भी देख सकते हैं। और नीचे आपको व्यूवर्स दिखाई देंगे, कितने व्यूवर्स अभी ज्वाइन हुए हैं और कितना लोगों ने कमेंट किया है। मैंने खुद से कमेंट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में। तो जो भी लोग कमेंट करेंगे, वो आपका इधर कमेंट दिखाई देगा। आप ऐसे आप अपने कमेंट को पिन पर क्लिक करके पिन कर सकते हैं कि, और कितने लोगों के द्वारा रिएक्शन किया गया है आपके इस वीडियो पे, वो रिएक्शन आपका दिखाई देगा। कितने लोगों ने शेयर किया इस लाइव सेशन को, वो भी दिखाई देगा। कितने लोगों ने इस लाइव सेशन के क्लिप को यूज किया है, वो आपको दिखाई देगा। व्यू इनसाइट पर क्लिक करके आप इसके एनालिटिक्स को देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगी। स्ट्रीम मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी यहाँ पे लाइव आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाता है, और यहाँ पे आप यदि कोई क्वेश्चन पोल करना चाहते हैं, तो क्रिएट अ पोल के नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और आप अपने ऑप्शन डाल सकते हैं। साथ में और भी ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने पोस्ट टाइटल को, यदि यहाँ पे टैग्स भी डाल सकते हैं। और इसके नीचे और भी सारे ऑप्शन है। फीचर लिंक भी यहाँ पे आ रहे हैं, एडिट पर क्लिक करके आप अपने फीचर लिंक को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि वीडियो पर आपका शो करेगा। साथ में प्रीव्यू लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वीडियो जो दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे प्ले करेंगे, तो कुछ इस तरह से जो है आप अपने लाइव सेशन कर सकते हैं। जो पहले से वीडियो आपने यदि रिकॉर्ड कर रखा है, उस वीडियो को लाइव दिखा सकते हैं। और वेबकैम की भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जो एक्टिविटी पर मैं क्लिक करके आपको नहीं दिखा पाया, वह मैंने जब स्ट्रीमिंग की एंटर किया, उसके बाद में जो मैंने एक्टिविटी पर क्लिक किया, वही प्रोसेस आपका यहाँ पे आया। अब बात करेंगे कि आपने जो लाइव किया है, उसे आप एंड कैसे करेंगे। इसके लिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एंड लाइव वीडियो, जिस पर आपको क्लिक करना है। और
इस पर जैसे ही आपने क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पे एंड का ऑप्शन आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। साथ में ओबीएस सॉफ्टवेयर में आकर के स्टॉप स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक कर देंगे और यस पर क्लिक करेंगे। साथ में आप अपने फेसबुक पेज पर आकर के एंड करेंगे। अब आपने ऐसे ही एंड किया, इसके बाद में ये जो लाइव सेशन है वो आपका एंड हो चुका है। और आप यदि इसे पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक भी कर सकते हैं, यानी इस फेसबुक पेज पे आपका अपलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे एंड हो चुका है, यानी जो हम लोगों ने लाइव सेशन किया था वो लाइव सेशन एंड हो चुका है। यहाँ पे यदि आपने जो लाइव अभी किया है उस वीडियो को आप रिटर्न या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे यदि एज इट इज इसमें पब्लिक करना चाहते हैं, यानी फेसबुक पेज पर अपलोड कर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रिटर्न होम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर क्लिक करना होगा। उसके पहले हम लोगों ने लाइव सेशन किया, वो 7 मिनट 36 सेकंड हम लोग का लाइव सेशन चला है, वो भी आपको दिखाई देता है। रिटर्न होम पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप वापस आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेज आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपने जो लाइव सेशन किया था वो वीडियो यहाँ पे पब्लिक हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में लाइक कितने लोगों ने किया था और कमेंट कितने आए थे वो भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है। आप तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने फेसबुक पेज पे लाइव कैसे आए इसकी जो प्रोसेस बताई है वो आपको समझ में आ चुका होगा। और यदि आप इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, साथ में इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपका कोई कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।